मिनिएचर समुंदर मिनी बोट। नलमला नामक एक जंगल था, उसके आसपास गांव में थोड़े लोग जीते रहते थे। वहां के पर्वतों में मौजूद अजूबों को देखने के लिए भीम और उसका दोस्त नरेश जंगल को आए। वो लोग अपने कैमरा को लेकर वहां पर मौजूद तरह तरह के पक्षियों की फोटो खींचने लगे। वो जब ऐसे फोटो निकाल रहे थे तभी उन्हें एक पेड़ से एक लिलीपुट फांसी डालकर पेड़ से लटकते हुए गिड़गिड़ाते हुए दिखा। ये देखकर वो लोग जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचकर उस लिलीपुट को बचाए। वो लोग जब उस लिलीपुट को हैरान होकर देख रहे थे तो वो लिलीपुट उनसे, मेरा नाम जूजू भी है, मैं इस लिलीपुट राज्य का चुना गया नया राजा हूँ। हमारे राज्य के चुनाव में मैं और मेरे भैया दोनों खड़े हुए थे। उसने बहुत पैसे बांटा मगर मेरे पास पैसे नहीं रहने के कारण लोगों को एक वादा किया, अगर मैं जीता तो हमारे राज्य को 100 दिनों के अंदर एक समुंदर लेकर आऊंगा और उस समुंदर में आपको बोटिंग कराऊंगा कहकर लोगों से किया। 90 दिन हो गए हैं और 10 दिनों में समुंदर कैसे आएगा, इसलिए ऐसे खुदकुशी करने की सोचा, कहा। तब भीम का दोस्त नरेश, अरे ये क्या भाई, आप लोग तो हम इंसानों से भी ज्यादा बकवास वादे कर रहे हो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वैसे भी तुम राजा बने तो क्या, तुम्हारा भाई बने तो क्या, दोनों एक ही परिवार हो ना, कहा जूजू भी। मेरा भैया ठरकी है, अब तक 300 लोगों से शादी किया, अगर वो राजा बन गया तो राज्य में सबसे वही शादी करेगा, वो इतना बड़ा कमीना है। अगर ऐसे ही चला तो हमारे राज्य में मौजूद मेरे जैसे कुवारों का क्या होगा, हमें मेहनत करके सिर्फ उसे और उसके बच्चों का पोषण करना पड़ेगा, इसलिए समुंदर लाऊंगा कहकर वादा किया था। उस वादे के चलते उसके 250 पत्नी उसे तलाक देकर छोड़ दिए, अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहा भीम। तब तुम्हारा राज तो बहुत बढ़िया है, दुश्मन को भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमें एक अच्छी जगह दिखाओ, वहाँ पर एक अच्छा खड्डा खोदकर बढ़िया सेटअप करेंगे। वैसे भी तुम लोग बौने हो ना, उसमें आप लोगों के लिए एक मिनिएचर समुंदर बनाकर देंगे, कहा। ये सुनकर जूजू भी मान गया। बाद में जूजूबी ने एक जगह दिखाया। भीम और नरेश दोनों मिलके थोड़े दिन बहुत मेहनत करके उन लोगों के लिए एक समुंदर को और एक मिनी बोट के साथ साथ पूरा सेटअप अच्छे से बना कर दिए। ये देखकर जूजूबी बहुत खुश हुआ। बाद में ये बात उनके आदमियों को बताने के लिए अपने घोड़े पे चला गया। अब भीम वाले उस समुंदर के पास उसकी पहरेदारी करने लगे। इतने में वहाँ पर घोड़ों पे जूजूबी का भाई जिलेबी और उसका दोस्त जांगरी दोनों आए। उन्हें देखकर नरेश, क्यों रे छोटे टमाटर, उंगली के जितने भी नहीं हो, तुम्हें 300 बीवी चाहिए, हमें अब तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं मिली। ए, अब से तुम्हें ऐसे करने का मौका नहीं मिलेगा, हम तुम्हारे भाई के लिए एक समंदर बनाए, नाव भी तैयार है, देख लीजिए, कहा जिलेबी। तब अरे मूर्ख, मैं ही वो छोटा भाई हूँ, तुम्हारे साथ बात करने वाला मेरा बड़ा भाई था, वो बहुत होशियार है, उसी के 300 पत्नियां हैं, वो उनसे एंजॉय करने के लिए ये सब किया। आप लोग जंगल में दिखे ना, आप लोगों से छोटे मोटे काम नहीं करवाना है सोचकर उसके अय्याशी करने के लिए एक बड़ा समुंदर बनवाया, कहा नरेश। तब बापे, क्या इसीलिए छोटे कद वाले बहुत होशियार होते हैं कहकर बोलते हैं, उसे आने दो, मैं देख लूंगा, उसे पकड़कर दूर फेंक दूंगा, बेचारा खुदकुशी कर रहा है कहकर उसे बचाए तो वो हमें इतना बड़ा धोखा देगा, कहा जिलेबी। तब तुम्हारी सूरत, क्या आप उसे मामूली लिलीपुट समझ रहे हो क्या, उसके पास दुनिया के सबसे जहरीले सांप का जहर से लेप किए हजारों तीर है, अगर गलती से भी एक भी तीर तुम्हें लगे तो बस तुम लोग झाग निकाल कर यही के यही ढेर हो जाओगे, जाओ जाओ, नहीं तो वो आपको यही मार देगा, वो जरूर अपने सिपाहियों को लाने के लिए ही गया होगा। जो कहने लगा था तभी जूजू भी अपने सिपाहियों के साथ तीर लेकर वहाँ पर आया। वो देखकर भीम नरेश से, यार वो बोना आ गया है, चलो चलो, उसके हाथों में सच में तीर है, बापरे उसका तीर लगे तो हम मर जाएंगे कह रहा है ना, चलो यार चलते हैं, कहकर दोनों वहां से भागे। तब से जूजू भी अपने पत्नियों के साथ समुंदर में तैराकी करते हुए नाव में बोटिंग करते हुए खुश रहने लगा।